मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यातायात विभाग अनूठी पहल करते हुए नजर आ रहा है। इस पहल में शहर के जिस भी परिवार में जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि होगी, वह यातायात में अपना योगदान देकर सेवा करेगा। इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर वन के साथ ही अब यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहा है। यातायात विभाग ने जन सहयोग से यातायात को सुलभ बनाने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसमें अभी तक करीबन 50 से अधिक परिवारों द्वारा यातायात विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इसी कड़ी में शहर के किसी भी परिवार में जन्मोत्सव या शादी की सालगिरह सहित अन्य किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो, उसमें यातायात विभाग द्वारा उस परिवार से यातायात में सहयोग करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके लिए बकायदा यातायात विभाग द्वारा 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की पूरे परिवार को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज मेरी एल्डर सिस्टर के बेटे का बर्थडे है और हमने पाटीदार सर के रेफरेंस से और उनकी गाइडेंस से हमने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी यूथ, जैसे जो हमारी जनरेशन है, वो कुछ ऐसा मैसेज दे आज सभी लोगों को, ताकि जो ट्रैफिक रूल्स जो इतने ब्रेक होते हैं, आज हम भी कहीं ना कहीं शायद करते होंगे, लेकिन आज हमारे मन में, क्योंकि हम आज एक ट्रैफिक पुलिस का एक रोल प्ले कर रहे हैं और हम वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, जो ट्रैफिक लाइट्स है उसका फॉलो करना चाहिए, अगर आप बाइक से हैं तो हेलमेट पहने, अगर आप कार से हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएं, आप तीन लोग ट्रैवल ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव का ध्यान आप रखें, स्पीड ज़्यादा आप तेज़ ना चलाएं। तो इन चीज़ों का हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस बताना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इतना जल्दी कहीं पहुंचने के लिए करेंगे, भगवान ना करे कुछ हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम ट्रैफिक सिग्नल पे, आज ये हमारा पहला है इनिशिएटिव, ऐसे हम काफ़ी सोशल वर्क्स करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं, डोनेशंस करते हैं। इसी कड़ी में आज जिस बच्चे का जन्मदिन था, उस बच्चे के पूरे परिवार द्वारा रेसिडेंसी चौराहे पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला गया और यातायात विभाग के सभी पुलिस कर्मियों के साथ जन्म उत्सव भी मनाया गया। हमने ये सोचा है कि आप अपना विशेष दिन होटल में पार्टियों के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मनाते हैं, क्यों ना इस विशेष दिन को आप हमारे साथ मनाइए, ट्रैफिक के साथ मनाइए। तो इस तरह से ये हमने शुरू किया है और यदि कोई परिवार इसके हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो यदि हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है, उससे आकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिस भी दिन चाहे, वो जिस भी चौराहे पर चाहे, वो अपने परिवार के साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभाल कर एक से दो घंटे के बीच में वो कर सकता है। हम 15 मिनट पहले ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, उनको बताते हैं कि यातायात नियम क्या होता है, उसके बाद वह परिवार के साथ व्यवस्था संभालिए। अब देखना ये होगा कि यातायात विभाग की इस मुहिम से शहर के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिल पाती है या नहीं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।